मैं अभी घर आई हूँ, अभी हम घर चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अभी अभी ऑफिस आई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो चल के देखते हैं। वीकेंड स्टार्ट है हमारा, तो लेट्स गो कि हमारा वीकेंड अच्छा भी। जी तो हमारा वीकेंड स्टार्ट हो गया है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि वॉक पे जाऊँ, क्योंकि मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। थकी हुई थोड़ी सी। कल वीकेंड सैटरडे है, सैटरडे को बहुत सारे काम होते हैं। मुझे कल एक दो जगह जाना है और कुछ ग्रॉसरी करनी है, तो वो भी हम मैं आपको दिखाऊंगी। और क्या करना है पता नहीं, और क्या करना है, और हाँ, मुझे अपनी मिसेस के पास जाना है। मैं वीकेंड में जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरी मदर भी वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे जाके ये होता है कि मेरा फुल टाइम उनके साथ गुजरता है, उनके साथ खेलना, उनके साथ तफरी करना उनके साथ। तो जब भी मैं अपनी नीज़ेस और नेफ्यूज पर मिलती हूँ तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो हम कल वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ उनके साथ फ़न करेंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ अगर मैं एक्टिविटी करूँगी तो वो मैं शेयर करूँगी। और क्या, और कुछ नहीं, बस देखते हैं क्या होता है। और हाँ, मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट है, तो मुझे पता नहीं, बचपन से बहुत एक्साइटमेंट होती थी अपनी बर्थडे के लिए, तो अभी भी सेम यही है कि मेरी बर्थडे आने वाली है तो मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए। हम इतना कुछ अभी करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है। हाँ, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है अभी, मैं देखूँगी कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ वॉक पे। मुझे जाना है कि जो वेट लूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने वेट काफ़ी गेन कर लिया है, तो मेरा प्लान तो है कि मैं जाऊँ। तो अगर मैं जाती हूँ तो आप लोग को भी अपने साथ लेके चलूँगी, और बस ये है मेरे साथ रहेगा। ये मेरा छोटा सा रूम के साथ मेरा गार्डन कह लें, मुझे अपने प्लांट से बहुत प्यार है और मुझे शौक भी बहुत है, क्योंकि मेरी मदर को था तो उनसे मेरे अंदर भी ये चीज़ आई है। तो बस मेरा एक तरफ ये भी मेरी हॉबी होती है। तो खैर, अब कल देखते हैं हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल तो मेरा मूड नहीं हो रहा जाने का, क्योंकि मौसम बादल बहुत अच्छा है, तो देखेंगे कि मैं जाती हूँ नहीं। तो अगर मैं जाती हूँ तो मैं आप लोग को साथ लेके जाऊँगी, ठीक है। हम तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग क्या करते हैं वीकेंड पे और किस तरह से अपना वीकेंड गुजारते हैं, क्योंकि मेरा तो ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं चली जाती हूँ, या फिर अब मुझे ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा चिल करें, कोई आप मूवी शूवी देख लो और घर पे ही कुछ आप स्नैक्स वगैरह लेके आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, क्योंकि बाहर आप जाते हो ट्रैफिक इतना होता है और फिर वेटिंग और ये सब चीज़ों में ना। हाँ, मूवी देखने आप सकते हो, मूवी के लिए बहुत अच्छा है। मूवी पे मैं फिर वैसे मैं मूवी के लिए और ऐसी वैसी कोई भी एक्टिविटी हो जहाँ घूमना फिरना हो, मैं तो ऑल टाइम तैयार रहती हूँ। तो ये सब है, और क्या हो रहा है, और लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, बस बिज़ी चल रही है लाइव। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग की क्या एक्टिविटी चल रही है। वेकेशंस काफ़ी लोगों की अब ख़त्म हो गई हैं, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो अब नॉर्मल रूटीन पे थोड़ा सा हम लोग आ गए हैं, तो बस ये सब चल रहा है। बाकी कल या परसों अगर मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं थोड़ी सी कम कुकिंग करती हूँ, लेकिन अच्छा मेरे को कर लेती हूँ, लेकिन जब भी कुक करती हूँ तो अच्छा ही बन जाता है। तो अब मैं कल या परसों अगर कुछ बनाती हूँ ऐसा, तो वो भी मैं शेयर कर लूँगी आप लोग से। और बस आप मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहिएगा, देखिएगा, और फिर हम मिलते हैं।
स्किन पे कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी क्या है। उससे मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन पे ना कुछ विजिबल और थोड़ा से स्किन मेरी क्लियर हुई है काफ़ी ना। अभी थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन काफ़ी अच्छी हो जाती है उससे। मैं अपनी स्किन पे कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी क्या है। उससे मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन पे ना कुछ विजिबल और थोड़ा से स्किन मेरी क्लियर हुई है काफ़ी ना। अभी थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन काफ़ी अच्छी हो जाती है उससे। अभी ना मुझे नींद बहुत आ रही है तो हो सकता है मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं ऑफिस से वापस आई थी और फिर उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। तो मैं आपसे फिर कल शेयर करूंगी वो सारी चीज़ें ना जो चीज़ मैंने यूज़ की थी। और दूसरा ये कि देखें अभी मैं कॉल करनी है मुझे एक दो लोगों को, उनसे बात करूँगी और फिर जो भी होगा मैं आप लोग को बता दूँगी। मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जिसका रिव्यू ना मैं शेयर करूँगी आप लोग से। उसके बाद ये हुआ है कि मेरी स्किन क्लियर हुई है और काफ़ी हद तक ना मेरा जो वो है एक्नी वगैरह वो सारी काफ़ी बेहतर हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी डिटेल में कि क्या मैंने ऐसा किया है क्या नहीं। और देखिए अभी मेरी स्किन काफ़ी बेहतर लग रही है। बस ये है या कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस में इतनी ही हर वक्त एसी चल रहा होता है तो वो उसकी वजह से ना आपकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो आप जितना ना उसको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें और क्या नाम है मॉइस्चराइज करने के बाद सनब्लॉक करना है, मॉइस्चराइज का जरूर करना है और उसके बाद जो भी फिर आप अपना मेकअप अप्लाई करते हैं ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। और अपना ऑफिस आने के बाद अपने स्किन को ज़रूर ज़रूर मेकअप उतार के सोया करें, मेकअप के साथ ना सोया करें क्योंकि ये होता है कि उससे आपकी जो स्किन होती है ना वो फिर मतलब एक तरह से मुझे लगता है वो स्क्रीन आपकी ब्रीथ नहीं कर रही होती, आपकी स्किन बहुत डैमेज लगती है, डल लगती है। अच्छा तो मैं आपको बताई थी कि आप एक तो वो सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें और दूसरा ये कि अपनी स्किन का ख्याल, जितना आप ख्याल रखेंगे ना उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी। और क्या कर रही थी मैं, बस मैंने अभी एक कोई लिप कलर अप्लाई किया है वो मैं चेक कर रही थी कैसा है। तो खैर ये था और बस अब मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, मैं शायद थोड़ी देर में सो जाऊँ या पता नहीं भी सो। वैसे तो मेरा मूवी देखने का प्लान था, अब वो या तो मैं मूवी देख के सोऊंगी या फिर मैं थोड़ा लेट सोऊंगी। अभी जाके मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी ईशा की, तो ईशा की नमाज़ पढ़नी है फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मैं टीवी देखूंगी और फिर उसके बाद सो जाऊंगी। तो वीकेंड है तो वीकेंड पे तो आप आराम से चल करके ना लेट सो सकते हैं, फिर आप लेट उठ सकते हैं तो ये आपको ज़रा सा मज़ा होता है वीकेंड का। तो मुझे तो हमेशा वीकेंड का ही वो होता है कि जल्दी से वीकेंड आए तो फिर मैं ज़रा सा ऐसे चिलैक्स करूँ। चलें फिर आज का मैंने कुछ कुछ अपने क्लिप्स आपसे शेयर किए हैं, होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप ज़रूर मेरे फिर चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो फिर मैं आपसे नॉर्मल जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं शेयर किया करूँगी। और अब हम कल देखते हैं क्या होता है, कल एक तो वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा तो वीकेंड के लिए पता नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। तो कल फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में प्लीज़ 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 मुझे याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। चलें फिर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।